हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ व्रत के लिए साबूदाना की टिक्की, केले और अनार का रायता और हरे धनिए की चटनी। तो इन सभी की रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर ले लिया है और हरी मिर्च ले ली है, और ये ले लिया धनिया पाउडर, साबुत जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक। आप साबुत धनिया भी यूज कर सकते हैं। ये ले लिया है मैंने हरा धनिया, इसे मैंने धोकर अच्छे से काट लिया है। अब मैं जार में सबसे पहले डाल दूँगी धनिया, फिर डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्च और फिर नमक और जीरा। आप चाहें तो आंवला भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप आंवला भी डाल सकते हैं। अब इसको पीस लेंगे और इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए चटनी हमारी तैयार है, ये मैंने कटोरी में निकाल ली है। देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट चटनी हमारी तैयार होगी। तो ये साबूदाना है, ये मैंने सुबह भिगो दिया था कम से कम 6 से 7 घंटे पहले, तो ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम एक छन्नी में पानी निकलने के लिए रख देंगे। ये ले लिया मैंने 4 आलू, इन्हें अच्छे से मैश कर लूँगी हाथ से। 2 ले लिए हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा ले लिया है हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी यूज कर सकते हैं। अब आलू को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तो उसमें डाल देंगे हम अपना साबूदाना। देखिए साबूदाने को बिल्कुल अच्छे से पानी निकाल लीजिएगा, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये डाल दिया मैंने हरा धनिया, ये हरी मिर्च। अब डाल देंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। अब ये देखिए ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम बना लेते हैं अपनी टिक्की। टिक्की बनाने के लिए हाथ पे थोड़ी सी चिकनाई लगा लीजिए, जिससे कि हाथों के साथ साबूदाना चिपके नहीं, और अच्छी सी शेप देकर टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। ये देखिए इसी तरीके से मैं अपनी सारी टिक्की तैयार कर लूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप बनाकर इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, उसके बाद इन्हें तलिए, तो बहुत ही अच्छी टिक्की बनती है। अब हम रायता तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी टिक्की को मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो रायता तैयार करने के लिए मैंने दही ले ली है। दही में डाल दिए हैं अनार के दाने, बारीक काट के केला, थोड़ा सा सेंधा नमक, और थोड़ा सा डाल दूंगी जीरा और धनिए का पेस्ट। ये मैंने जीरा, हरी मिर्च और धनिए का पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इस पेस्ट को इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये रायता भी हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम अपनी टिक्की को तल लेंगे। टिक्की तलने के लिए मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल का यूज किया है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें डाल देंगे हम अपनी टिक्कियाँ। आपकी कढ़ाई में जितनी टिक्कियों का स्पेस हो उतनी टिक्की डालिएगा। यहाँ पर मैं 4 टिक्कियाँ डाल रही हूँ एक साथ। स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए इसे पकने दीजिए, उसके बाद ही टिक्कियों को पलटिएगा। तब ये देखिए हमारी टिक्कियाँ थोड़ी सी पक गई हैं, तो इन्हें अब उलट पलट कर हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए टिक्की बहुत ही क्रिस्पी लगती हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप भी एक बार ट्राई कीजिए साबूदाने की टिक्की। ये देखिए अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम अपनी टिक्की को निकालेंगे एक पेपर पर, जिससे कि उनमें एक्स्ट्रा जो भी चिकनाई है वो पेपर पर निकल जाए। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी टिक्की हमारी तैयार हुई है। तो ये मेरी टिक्कियाँ तैयार हैं सर्व करने के लिए गर्मा गर्म। ये देखिए तो अब सर्विंग प्लेट लगा लेते हैं।
ये मेरी आज की थाली तैयार है डिनर की। तो आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।